हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, बालकृष्ण भट्ट रचना जो है बातचीत क्या है ये बताना। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतेंदु युग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, 1877। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान 1 सुजान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, मांझे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लूटन का विदूषक कौन था? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, 77। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, जलालपुर, सॉरी लायलपुर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, 1915। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है? सो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा जो है निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कुड़ाई का अर्थ, इसका जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, महंगी करेक्ट हो जाएगा।